एमसीबी जिला में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए सभी वादे पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र मनिंद्रगढ़ की ग्राम पंचायत गुरु चहवा में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए खुद का स्कूल भवन तक नसीब नहीं हो रहा है। गुरु चहवा के प्राथमिक विद्यालय में 55 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें हैं और छत कभी भी गिर सकती है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पास के मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के कार्यालय में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह स्थिति भी अस्थायी है और बच्चों के लिए सही पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर भरोसा किया था कि वे विधायक बनकर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा सुधारेंगे, लेकिन 2018 से अब तक क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की ऐसी हालत है तो बाकी सुदूर क्षेत्रों में स्थिति कैसी होगी, यह सोचना भी मुश्किल है। इस स्कूल में शौचालय और हैंडपंप भी बेकार है, बच्चों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है। टूटा है विद्यालय, टूटा है जी। कब से वहाँ पढ़ रही हो? कब से? बहुत समय से जी। तो यहाँ अंदर नहीं पढ़ती हो? टूटा है, बैठने में दिक्कत हो रहा है जी। टूटा है जी। कब से वहाँ पढ़ रहे हो? एक साल से। दिक्कत हो रहा है अंदर जी, इसलिए वहाँ जाते हो जी खेलने कूदने के लिए? यहाँ पास। और शौचालय का कहाँ उपयोग करते हो? उधर वही स्कूल में। तो बहुत दूर से लाते हैं मिडिल स्कूल का पास से। ये जो बगल में हैंडपंप लगा है वो बिगड़ गया। कब से बिगड़ा है? अरे बनाए हुए एक दो महीना चला। साल भर से हो गया? हाँ सर। नहीं साल भर से नहीं बना, अभी कहाँ बना है। तो कई बार बोले रसोईया में भी पूरा टीना वगैरह। हाँ, ये बहुत यहाँ से पानी गिरता है, दिक्कत होती है बच्चों को। हाँ तो ये पूरा गीला हो जाता है। किस पोस्ट पर है आप? मैं प्रधान पाठक के पोस्ट पे हूँ। आपको विद्यालय देखे हम, पूरा जर्जर हालत में है, कब से है और क्या समस्याएं हो रही थी उसको लेके? दो साल कंप्लीट हो गए हैं। दो साल से हम लोग उस स्कूल उस बिल्डिंग को छोड़ दिए हैं। यहाँ पीएस ब्रू कलेक्टर साहब जब आए हुए थे, फिर डीओ सर को बुलाया। डीओ सर ने देखा, फिर उन्होंने फिर आदेशित किए कि यहाँ आए मिडिल स्कूल में, तो देखें यहाँ प्रधान पाठक कक्ष और अतिरिक्त कक्ष खाली है, तो फिर हम लोग को यहाँ संचालन के लिए कहा गया, तो हम लोग यहीं संचालन कर रहे हैं स्कूल की। पानी की समस्याएं तो हो ही रही है। हेडपम्प कई बार बनवाते हैं फिर बिगड़ जाता है। आंगनबाड़ी का मोटर लगा हुआ था, उसमें से भी चला रहे थे, लेकिन वहाँ भी मोटर खराब हो गया। तो यहाँ मिडिल स्कूल में एक हेडपम्प है, उसी से चल रहा है तीनों स्कूल, मिडिल, प्राइमरी, आंगनबाड़ी सब।